गुड मॉर्निंग बेटा, आज हम रेट ला एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तुम्हें पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मैंने पीछे बताया, कोई भी रिएक्शन हमारी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। किसके प्रेजेंस में? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। जैसे मैंने कहा डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, तो ये क्या है हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम रेट ला एक्सप्रेशन लिखेंगे। और रेट ला एक्सप्रेशन हमारा कैसा था बेटा? एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। तो यहाँ से हम लिखेंगे इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो रेट आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जीरो ऑर्डर है तो बेटा एन एस थ्री की पावर जीरो। तो रिएक्शन क्या हो गई? जीरो ऑर्डर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट आता है के, कॉन्स्टेंट के। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट के है, ये क्या है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं रेट कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट। ठीक है बेटा, इसी को रेट कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, और यही है हमारा स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ओके देखो बेटा, अब हम आज इसके रेट ला एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन देखो एक मिनट, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में तुमने ऑर्डर तो बता दिया भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन अगर मैं यहाँ से कहूँ व्हाट इज द मोलिकुलरिटी, ठीक है, इस रिएक्शन में डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया में मोलिकुलरिटी कितनी है, तो मोलिकुलरिटी क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। तो यहाँ रिएक्टिंग स्पीसीज कितनी है बेटा? दो। तो इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी हो गई टू। इट मीन्स दिस रिएक्शन इज बाई मोलिकुलर रिएक्शन। कैसे रिएक्शन है ये? बाई मोलिकुलर रिएक्शन। ओके देखो, लेट अस कंसिडर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लेट अस कंसिडर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, मैंने कहा ए कन्वर्टेड इनटू पी, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका हम रेट ला एक्सप्रेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? रेट ला एक्सप्रेशन। तो रेट ला एक्सप्रेशन कैसा कंसेप्ट है? एक्सपेरिमेंट। हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हुज स्टिक्योमेट्री मे और मे नॉट इक्वल टू द पावर। तो यहाँ से हमने इसका रेट ला एक्सप्रेशन लिख दिया, तो हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लिखेंगे, तो क्या आएगा? कॉन्स्टेंट के, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेट कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, और ए की पावर जीरो। बेटा किसी भी चीज़ की पावर जीरो, किसी भी चीज़ की पावर जीरो इट इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से हमारे पास रेट क्या आ गया? रेट इज इक्वल टू के। ओके, अब इस रेट को हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। क्या कहेंगे? डिफरेंशियल रेट ला इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डिफरेंशियल रेट ला इक्वेशन। ठीक है, तो रेट क्या होता है बेटा? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल, और चेंज इन कंसंट्रेशन किसकी? रिएक्टेंट की। तो कैसा साइन लगाएंगे? माइनस। तो क्या लिखेंगे? माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। ओके, तो यहाँ से हम इसको ये लिख सकते हैं कि जो डी ए है, डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी, देन इंटीग्रेट बोथ साइड, देन इंटीग्रेट बोथ साइड। ओके, दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे, तो डी ए माइनस इज इक्वल टू माइनस के डी टी। इसके इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से ए, इसके इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से टी, तो ये हमारे पास क्या आएगा? ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। हम कहेंगे कि टाइम जीरो है, तो ए किसके बराबर होगा? इनिशियल कंसेंट्रेशन ए नॉट के। ओके, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इन वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू जीरो प्लस आई। इट मीन्स आई जो हमारा कॉन्स्टेंट था, ये किसके इक्वल आ गया? ए नॉट के। ए नॉट क्या है? इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो आई की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे अब, तो ये क्या आएगा? ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट।
A is equal to minus kT plus A naught. ओके, इस इक्वेशन को मान लो इक्वेशन टू, क्योंकि इस इक्वेशन से बेटा हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. ठीक है, अभी बताऊंगी तुम्हें इस इक्वेशन से मैं ग्राफ प्लॉट करके. ओके, अब यहां देखो, इसको हम ये लिख सकते हैं, kT को इधर ले आओ, kT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, kT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए. तो यहां से k रेट कॉन्स्टेंट क्या आ गया, ए नॉट माइनस ए अपॉन टी. ठीक है, k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी. तो यहाँ पे k क्या है बेटा, k है रेट कॉन्स्टेंट. क्या है, रेट कॉन्स्टेंट. ए नॉट क्या है, ए नॉट है इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, और a क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टर रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी. और टी क्या क्या है यहाँ पे, टाइम. क्या है, टाइम. ओके, क्लियर हुआ ये. अब देखो बेटा, इस वाली इक्वेशन से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, बताया था ना मैंने किससे, ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नोट. दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. किसकी फॉर्म में है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की फॉर्म में. कैसे, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी. हम y और x के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, y एक्सिस पे a और x एक्सिस पे t. स्लोप कैसा है, माइनस. तो कैसा ग्राफ आएगा बेटा, और इसका स्लोप कितना आएगा, स्लोप आएगा माइनस के. तो ये किसके टर्म में हमने ग्राफ ड्रा किया बेटा, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के टर्म में. किसके टर्म में, a क्या है यहाँ पे, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अगर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बेटा विद पैसेज ऑफ टाइम क्या होती है, इंक्रीज होती है. ठीक है, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन विद पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होती है, तो ग्राफ क्या आएगा. ओके, थर्ड ग्राफ देखो. अगर मैं तुमसे ये कहूँ, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम रेट ऑफ रिएक्शन प्लॉट ग्राफ बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसेंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसेंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करो, किसके लिए बेटा, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं ना, तो किसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसेंट्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर. तो हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखो रेट ला एक्सप्रेशन क्या लिखते थे, हम लिखते थे ना रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर जीरो. तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, और किसी भी चीज की पावर जीरो इज इक्वल टू वन. तो यहां से पता चल गया रेट ऑफ रिएक्शन हमारा कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता. तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसेंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा ग्राफ आएगा बेटा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. क्या आएगा ग्राफ हमारा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसेंट्रेशन इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, अब यहां देखो बेटा फर्स्ट पॉइंट, हमें पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के. यस और नो, ये हम दो तीन बार पढ़ चुके बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के. तो हम कहेंगे फोर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कॉन्स्टेंट, एंड रेट कॉन्स्टेंट इज सेम. कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कॉन्स्टेंट के यूनिट सेम आएगी. देखते बेटा सेम आएगी या नहीं आएगी. देखो सबसे पहले मैं तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट बताती हूँ. तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होता है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल, चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल. ये हमारा क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन. तो चेंज इन कंसेंट्रेशन, भाई कंसेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोलैरिटी. और मोलैरिटी को क्या लिखते हैं हम, मोल पर लीटर. टाइम बेटा सेकंड में ले लो, तो यहां से रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या आ जाएगी,
मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, रेट कांस्टेंट के की, यूनिट की, रेट कांस्टेंट के। तो बेटा देखो, मैंने रेट कांस्टेंट के की यूनिट के लिए तुम्हें एक फॉर्मूला करवाया था, क्या, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स। कौन सा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर, तो एन की वैल्यू जीरो, वन माइनस जीरो वन, तो यहां से के की यूनिट क्या आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यही आ जाएगी। तो हमने देख लिया कि जीरो ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो अब इसका। अब हम निकालेंगे हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, जिसको हम डिनोट करते हैं टी हाफ से, कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा। बेटा हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम है तब रिएक्टेंट की हाफ कंसंट्रेशन खत्म हो जाए, मींस 50% ऑफ रिएक्टेंट विल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे मैंने कहा तुम स्टार्टिंग में 100% लेके चल रहे थे रिएक्टेंट के, तो प्रोडक्ट क्या था, जीरो। अब उस रिएक्टेंट की 50% कंसंट्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में, किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ टाइम। तो हाफ लाइफ टाइम क्या है, टाइम एट विच 50% ऑफ रिएक्टेंट, 50% ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, हाफ लाइफ टाइम किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या लिखते थे, हम लिखते हैं ना रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर जीरो, तो हमने कहा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू के। तो यहां से हमने इसको क्या लिखा था बेटा, डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी, इसका इंटीग्रेशन किया था तो ये क्या आया था, ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। क्यों भाई, ये पीछे भी करवा चुकी बेटा, टाइम जीरो है तो ए किसके बराबर होगा, ए नोट के, तो ये क्या आएगा, ए नोट इज इक्वल टू माइनस के इंटू जीरो प्लस आई, तो यहां से आई कितना आ गया, आई आ गया ए नोट। इस वैल्यू को यहां पुट करोगे तो हमारे पास क्या आ गया, ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नोट। तो हमने के का फॉर्मूला क्या लिखा था, ए नोट माइनस ए अपॉन टी, ये हमने रेट कांस्टेंट निकाला था बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इतना तो सभी को समझ आ गया। अब आगे क्या करोगे, हमारे पास रेट कांस्टेंट के आया ए नोट माइनस ए अपॉन टी। ठीक है, तो यहां से मैंने तुम्हें बताया हाफ लाइफ टाइम क्या है, टाइम या टी की जगह क्या लिखोगे, टी हाफ। हाफ लाइफ टाइम क्या बेटा, द टाइम एट विच 50% ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो ये तो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई, तो ए किसके बराबर हो जाएगा, ए हो जाएगा ए नोट का हाफ। ओके, अब इन वैल्यू को यहां पुट करेंगे बेटा, तो देखो हमें क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए नोट बाई टू की पावर टी बाई हाफ अपॉन टी बाई हाफ। तो यहां से टी हाफ को क्या लिख दोगे, एलसीएम ले लो, टू टू ए नोट माइनस ए नोट बाई के, तो टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट अपॉन टू के। ओके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम क्या आया, ए नोट अपॉन टू के। ठीक है, तो इसने भाई हमने क्या देखा कि जीरो ऑर्डर में टी हाफ आया हमारे पास ए नोट अपॉन टू के। ठीक है, तो हम कहेंगे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन के। ठीक है, अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन का, तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला, हमने निकाला हाफ लाइफ टाइम फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे बेटा, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड, नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट, व्हाट इज टाइम रिक्वायर्ड
टू कंप्लीट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। कंप्लीट मीन्स बेटा 100% होने में कितना टाइम लगेगा। ओके तो अभी देखो, अभी मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, क्या था, के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। अब हमें यहाँ पे टाइम कितना लेना है बेटा, टी 100%। तब हमारी प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाए बेटा, ए कितना हो जाए, ए नॉट तो इनिशियल था, फाइनल कंसेंट्रेशन क्या हो जाए, जीरो। क्या हो जाए, जीरो। इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस जीरो अपॉन टी 100। तो यहाँ टी 100 मीन्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में, तो ये क्या आएगा, ए नॉट अपॉन के, ए नॉट अपॉन के। तो ये क्या आ गया, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में इतना टाइम लगेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे बेटा फोर्थ पॉइंट। देखो रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टी कंप्लीट, टी हाफ एंड टी कंप्लीट में क्या रिलेशन है। तो अभी हमने पढ़ा टी हाफ क्या था बेटा, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू के, इसको इक्वेशन फर्स्ट, और टी कंप्लीट या टी 100% क्या था, ए नॉट अपॉन के। ओके अब हम क्या कर देंगे, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को कंप्लीट कंपेयर कर देंगे बेटा, तो क्या आएगा, टी हाफ अपॉन टी कंप्लीट इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू के इन टू ए नॉट बाई के, कैंसिल बेटा ये। तो यहां से क्या पता चल गया, टी कंप्लीट जो है वो क्या है, टू टाइम्स ऑफ टी हाफ। ओके न्यूमेरिकल्स में बहुत बार यूज होते हैं बेटा ये फॉर्मूले डायरेक्ट, टी कंप्लीट इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ टी हाफ। ठीक है, अब मैं कहूँ तुमसे व्हाट इज द फिफ्थ पॉइंट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टी 3/4 एंड टी हाफ। भाई टी 3/4 कंप्लीट होने में और टी हाफ में क्या रिलेशन होगा, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा था बेटा के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए बाय टी। तो यहाँ से टाइम क्या ले हुए, टाइम को लोगे टी 3/4, अब ए क्या लोगे, 3/4 कंप्लीट हो गई, कितनी कंप्लीट हो गई 3/4, तुम्हारे पास कितनी बचेगी बेटा, स्टार्टिंग में 1 थी, 1 में से 3/4 कंप्लीट हो गई, तो तुम्हारे पास कितना बचेगा 1/4। इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे बेटा तो यहाँ से क्या लिखोगे, टी 1/4 इज इक्वल टू टी 3/4 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 4 अपॉन के। तो टी 3/4 यहाँ से क्या आएगी बेटा, हमारे पास आएगा 4 माइनस 1 3 3/4 ए नॉट अपॉन के, 3/4 ए नॉट अपॉन के। ये आ गया हमारे पास टाइम किसका, 3/4 का, और टाइम हाफ का क्या था बेटा, टी हाफ हमारे पास क्या था, ए नॉट अपॉन 2 के। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड, और टी 3/4 जो हमारा ये आया था इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब कंपेयर करेंगे बेटा, तो देखो कंपेयर करेंगे तो ये क्या था, टी 3/4 इज इक्वल टू 3/4 ए नॉट बाई के अपॉन टी हाफ क्या था, ए नॉट अपॉन 2 के। तो ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, तो ये क्या आएगा, टी 3/4 टी हाफ इज इक्वल टू 3/4, ये क्या है बेटा 1 अपॉन, तो ये कहाँ जाएगा 2, देखो 3/4 ए नॉट, तो यहाँ पे क्या आएगा ए नॉट, यहाँ क्या आएगा 2 के से तो के कैंसिल हो गया था, कितना जाएगा 2। तो यहाँ से हमने देखा टाइम 3/4 इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। ओके 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.5। तो टाइम 3/4 को कंप्लीट होने में जो लगेगा वो हाफ लाइफ टाइम का क्या होगा, हाफ लाइफ टाइम का 1.5 टाइम्स होगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये। अब देखो बेटा नेक्स्ट देखो, अगर अब तो हमारे पास रिएक्टेंट कैसे थे, लिक्विड थे सॉलिड थे, लेकिन अगर गैसियस स्पीसीज आ जाए, कैसी स्पीसीज आ जाए, गैसियस,
तो फॉर गैसियस स्पीसीज, गैसियस स्पीसीज के केस में हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, के इज इक्वल टू 1/T, वहां पे हम कंसंट्रेशन लेते थे, यहाँ पे क्या लेंगे प्रेशर, तो क्या आएगा पी नॉट माइनस पी टी। ओके याद रखना, अगर हमारे स्पीसीज कैसी आ जाए गैसियस, तो फॉर्मूला क्या यूज करना है, के इज इक्वल टू 1/T पी नॉट माइनस पी टी। तो के यहाँ पे क्या है, के है यहाँ पे रेट कांस्टेंट, और टी क्या है बेटा, टी है टाइम, पी नॉट क्या है इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और पी टी क्या है बेटा, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी। ओके अब इसके ऊपर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ न्यूमेरिकल्स करवाती हूँ। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे बेटा, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा फॉर ए जनरल रिएक्शन, फॉर ए जनरल रिएक्शन ए गिव्स बी, प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज गिवन इन फिगर। ओके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें क्या प्लॉट दिया हुआ है बेटा, देखो हमें इधर दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ ए और यहां टाइम, ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तुमसे क्या पूछा है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार तुम्हें पेपर में तुम्हारे यूटीज वगैरह होंगे उसमें देखने को मिलेगा। व्हाट इज द स्लोप ऑफ कर्व, व्हाट इज द स्लोप ऑफ कर्व, ठीक है। थर्ड, व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, व्हाट आर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें। और कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम, अभी हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे थे बेटा, तो अभी हमने एक इक्वेशन हमारे पास आया था ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट आया था ना, तो यहां से मैंने ग्राफ प्लॉट करवाया था अभी, वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, मैंने कहा था वाई और एक्स के बीच में ग्राफ प्लॉट होगा, तो वाई पे क्या है कंसंट्रेशन ऑफ ए, एक्स पे क्या है टाइम, कैसा स्लोप था नेगेटिव, तो ये ग्राफ आया था, तो इसका स्लोप मैंने क्या बताया था माइनस के, बताया था ना अभी, तो ये वही ग्राफ हो गया सेम, तो किसका ग्राफ है ये जीरो ऑर्डर का, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा जीरो ऑर्डर। व्हाट इज द स्लोप, स्लोप क्या है, स्लोप क्या आएगा माइनस के, और व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट के एक यूनिट के लिए बेटा फॉर्मूला बता रखा है मोल लीटर इनवर्स 1 - n² इनवर्स, कौन सा ऑर्डर है जीरो, तो एन की वैल्यू क्या लिखोगे जीरो, 1 - 0 1, तो यहां से रेट कॉन्स्टेंट के एक यूनिट क्या आ जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके क्लियर हुआ ये, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, मैंने तुम्हें दिया द रेट कांस्टेंट, द रेट कांस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन ए इज 0.003 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू फॉल फ्रॉम 0.1 to 0.075 मोलर, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, अब दिया हुआ है जीरो ऑर्डर है भाई, ठीक है जीरो ऑर्डर है, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दे रखी है 0.03 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, हाउ लॉन्ग विल इट मींस टाइम निकालना है, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है ए नोट की 0.1 और फाइनल कंसंट्रेशन दे रखी है 0.075, ये क्वेश्चन है हमारे पास। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बेटा हमें फॉर्मूला पता है क्या था, के इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए अपॉन टी था बेटा, तो यहां से टाइम निकालना तो क्या लिख लोगे टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन के, ए नॉट क्या है बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, ए क्या है फाइनल 0.075 अपॉन
के क्या था, रेट कॉन्स्टेंट कितना है बेटा, 0.03। ये दिया हुआ है, यहाँ से टाइम निकाल लोगे कैसे, टाइम इज इक्वल टू 0.025 अपॉन 0.003। सॉल्व करोगे तो टाइम आएगा बेटा 8.3 सेकेंड। ठीक है, इसी क्वेश्चन में तुम उसे आगे कह देते, ये दे दिया और आगे कह देते आल्सो कैलकुलेट हाफ लाइफ टाइम। क्या निकालो, हाफ लाइफ टाइम। अब तुम्हें पता है हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम व्हेन 50% ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अगर हाफ लाइफ टाइम का डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो क्या था, ए नॉट अपॉन टू के। अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता बेटा, तुम्हें ये तो पता है ना क्या, के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। तो ए की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, ए नॉट बाई टू, इनिशियल की हाफ और टाइम क्या हो जाए, टी की जगह टी हाफ। यहाँ पुट करोगे तो यही फॉर्मूला आ जाएगा, तो यहाँ से हाफ लाइफ टाइम क्या आएगा, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 अपॉन टू टाइम्स ऑफ 0.03। तो टी हाफ यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.1 अपॉन 0.006। किसमें आएगा बेटा, ये सेकेंड में। सोल्व करके क्या निकाल दोगे, हाफ लाइफ टाइम। ओके, क्लियर हुआ बेटा। जीरो ऑर्डर का जो डेरिवेशन है, रेट ला एक्सप्रेशन का और हाफ लाइफ टाइम का, वो इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से करना। थैंक यू।